फोर्थ पार्ट में कहा गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखिए हमने सेवेंथ और एट्थ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट का, तो अमाउंट ए का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है पी मल्टीप्लाई 1 + R/100 n। पी मतलब प्रिंसिपल की जो हमने अमाउंट शुरू में डिपॉजिट किया गया था, आर जो होता वो होता है रेट, और एन जो होता वो होता है टाइम कि कितने ईयर के लिए हमने जमा किया है, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले मैं ना 1 ईयर के लिए अमाउंट फाइंड कर रहा हूं, तो लिख रहे हैं यहां पे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो जो 1 ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा ना वो हो जाएगा पी, पी की जगह कितना जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 1 + R की जगह कितना पुट करेंगे हम 8/100 और की पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। इस तरह से आ जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो 2 ईयर के बाद जो अमाउंट हो जाएगा ना ये 10 हो रहा है, 10,000 था, ठीक है ना। 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि भाई एन बदलते रहेंगे सिर्फ, एन हमारा पहले साल के लिए 1 आ गया, 2 ईयर्स के लिए 2 आ गया, और इसी तरह से अगर हम 3 ईयर्स के लिए फाइंड करेंगे ना 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 की पावर 3। किस तरह से आ जाएगा, तो देखिए हमारे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले ना, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, इस तरह से, तो ये हमारे हो गए 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 की पावर 1, ठीक। ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 की पावर 2 कॉमा 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 की पावर कितने जाएगी 3, और डैश 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 इस तरह से आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा A1, A2 और A3, ठीक है ना। अगर आप इस वाले टर्म में से ये माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करेंगे और वो हमारा डिफरेंस सेम सेम आ जाता है, तब तो ये वाले जो नंबर है ना हमारे क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना जिसमें पावर बढ़ती हुई चली जाती है, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जो हम 11th में पढ़ेंगे GP, ठीक है ना। आप इन दोनों का सम फाइंड करोगे ना तो वो इक्वल नहीं आएगा, अगर आप A2 - A1 करेंगे ना वो A3 - A2 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई इसमें से अगर आप ये माइनस करेंगे ना तो वो इसमें से ये माइनस करने पर इक्वल नहीं आएगा, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना क्या है, एपी नहीं बनाएगा। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म्स एन एपी, ये एपी नहीं बना रहा है।